दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेसन पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब तक आपने देखा कि केविन के घर के ठीक पीछे जेसन की कब्र थी, और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने उस कब्र को छू लिया तो जेसन वापस जिंदा हो जाता है। केविन और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, तभी शॉन को किसी का कॉल आता है और वो बात करते हुए पीछे की ओर चला जाता है। तभी उसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो जेसन की कब्र पे बैठ जाता है। जो डर था वही हुआ, जेसन वापस जिंदा हो जाता है और शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं। जेसन शॉन को मारने ही वाला था, तभी शॉन जेसन के पैरों के बीच में से निकल जाता है। शॉन जेसन को येड़ा बना के पेड़ा खिला देता है, और जेसन मुड़ के देखे उससे पहले शॉन अपना फोन उठा के कब्र के पीछे छुप जाता है। इधर जेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा। शॉन गुल्ली को फोन लगाता है, पर सभी ने अपना फोन साइड पे रखा था इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। जेसन इधर शॉन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। शॉन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था और गुल्ली बुल्ली को बताना था कि जेसन वापस जिंदा हो गया है। शॉन धीरे से अपनी मुंडी निकालता है ये देखने के लिए कि जेसन क्या कर रहा है। शॉन ने देखा कि जेसन उसे वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। शॉन यहाँ से निकलने की सोच ही रहा था, तभी अचानक से जेसन पीछे मुड़ता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं और वो फिर से छुप जाता है। लगता है कि जेसन ने शॉन को देख लिया है और वो धीरे धीरे कब्र की ओर आगे बढ़ रहा था। इधर शॉन की बहुत ही ज्यादा फट रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर जेसन ने उसे देख लिया तो वो उसे बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देगा। जेसन कब्र के पीछे देखने ही वाला था, तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। जेसन ने मुड़ के देखा तो वहाँ पे माइकल फोन पे बातें कर रहा था। लगता है कि माइकल को भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिला होगा, इसलिए वो घर के पीछे बात करने के लिए चला आया। माइकल इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि जेसन अपनी कब्र से बाहर आ गया है। जेसन धीरे धीरे माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर माइकल बेखबर था और वो फोन पे बात करने में मस्त था। शॉन सोच रहा था कि अब तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया और जेसन ने उसकी बैंड क्यों नहीं बजाई। आखिर कहाँ रह गया होगा साला जेसन। शॉन से रहा नहीं गया, इसलिए वो फिर से अपनी मुंडी निकालता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने देखा कि जेसन माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर माइकल को भी किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है। माइकल जेसन को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, और तभी जेसन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। शॉन ये सब देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शॉन को ऐसा लग रहा था कि शायद जेसन ने उसे कब्र के पीछे देख लिया है, इसलिए वो जल्दी से जाके पेड़ के पीछे छुप जाता है। माइकल को मारने के बाद जेसन शॉन को ढूंढने के लिए कब्र की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे जेसन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे शॉन की धड़कनें तेज हो रही थी, और वो जल्दी से बुल्ली को फोन लगाता है। इधर बुल्ली डांस करने में मस्त था, पर तभी अचानक उसकी नजर फोन पे पड़ती है। बुल्ली फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी फोन की रिंग खत्म हो जाती है। बुल्ली ने देखा कि ये तो शॉन का कॉल आया था। बुल्ली अपने आसपास शॉन को ढूंढता है, पर शॉन वहाँ पे नहीं था, इसलिए बुल्ली को शॉन की टेंशन हो रही थी। बुल्ली सोच रहा था कि अगर शॉन यहाँ पे नहीं है तो कहाँ चला गया होगा। इधर जेसन को कब्र के पीछे शॉन नहीं मिलता है, इसलिए वो शॉन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। शॉन ने देखा कि जेसन वापस जा रहा है, इसलिए वो आज बच गया। पर तभी उसे बुल्ली का कॉल आता है। जेसन को लिंगटोन सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि शॉन पेड़ के पीछे छुपा हुआ है।
जेसन शॉन को देख लेता है और अब वो शॉन को नहीं छोड़ेगा। तो गाइस क्या होगा शॉन का? क्या जेसन शॉन को भी माइकल की तरह मार डालेगा? तो ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।